नमस्कार, मैं वंशिका मालवीय और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 का खास कार्यक्रम आरोग्य मंत्रा। डेंगू की बीमारी जो है वो मॉनसून के सीजन में काफ़ी तेज़ी से फैलती है। मॉनसून के सीजन के साथ साथ ही में आते हैं अन्य बीमारी जैसे मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, चिकनगुनिया और कई सारी बीमारियां। और ऐसे ही डेंगू जो है वो सबसे तेज़ी से अभी नागपुर में फैल रही है। NMC के मुताबिक 28 अगस्त तक 2400 से ज़्यादा केसेस अभी हमारे पास डेंगू के आ चुके हैं और लोग अक्सर डेंगू के सिम्टम्स को काफ़ी गलत समझ लेते हैं। उनको लगता है कि अगर वायरल फीवर हुआ है तो उनको डेंगू हुआ है। तो इसके सिम्टम्स को और अच्छे से समझने के लिए और डेंगू क्या होता है इसके बारे में गाइड करने के लिए आज हमारे साथ बने हैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट डॉक्टर सचिन जीपकांटे। हेलो सर। हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर सचिन जीपकांटे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ महाराष्ट्र टाइम्स 24 का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे बुलाया है और डेंगू के बारे में कुछ जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए। मुझे बहुत खुशी होंगी कि मैं लोगों को कुछ मार्गदर्शन कर सकूं। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेंगू जो है कौन से मच्छर से फैलता है और ये जो मच्छर हैं ये कैसे फैलते हैं? देखिए, डेंगू इज कॉल्ड वेक्टर बॉर्न डिसीज। इसका मतलब ये कोई कीटक के थ्रू मैमल्स में फैलता है। मैमल्स यानी या तो ह्यूमंस हो गया या जानवर हो गए। तो जब कोई वेक्टर जैसे मच्छर हो गया जो काटता है तो उसके शरीर में वास करने वाले ये जो वायरसेस है ये हमारे खून में आते हैं और इनका रिएक्शन जो बॉडी रिएक्ट करती है उसके वजह से जो होने वाले सिम्टम्स है ये वेक्टर बॉर्न डिसीजेस में आते हैं। तो वेक्टर बॉर्न डिसीजेस में सबसे कॉमन जो हम देखते हैं जिसमें डेंगू एक सबसे बड़ा कॉमन खतरा है, जो टिपिकली एडिस इजिप्टी नाम का मॉस्किटो रहता है जो दिन में काटता है। ये मॉस्किटो हमें कहीं पे भी मिल सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि लोकेलिटी से इसका संबंध है। इसका संबंध है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे हाइजीन कितना अच्छा है, क्योंकि ये वहीं पे पनपता है जहाँ पे पानी जमा हो रहा है। तो कोई भी पानी रहे, चाहे अच्छा रहे या गंदा रहे, अगर वो ज़्यादा दिनों तक जमा रहेगा तो इसमें मच्छर पनपेगा और मच्छर पनपने के बाद जब वो काटेगा तो ये बीमारी फैलेंगी। मोस्टली ये मानसून सीजन में देखते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी पानी गिरता है अगर जमा हो गया पानी तो वी विल सी कि इसका प्रकोप बढ़ेगा। सर, इसके सिम्टम्स ज़्यादातर क्या होंगे? मोस्ट कॉमनली मच्छर के काटने के बाद साधारण 3 से 4 दिन तक हमें कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं। 3 से 4 दिनों के बाद में जैसे ही वायरस का मल्टीप्लिकेशन बॉडी में बढ़ता है तो ठंड लग के बुखार आना, सबसे ज़्यादा ठंड लगना और बुखार आना। सेकेंड है सीवियर बॉडी एक, जिसमें कमर का दर्द और जॉइंट पेन, इसे कहते हैं ब्रेक बोन फीवर। इसके इतना दर्द होता है बैक में और जॉइंट्स में कि हमें चलने की भी ताकत नहीं रहती है दर्द के वजह से। ये सबसे कॉमन सिम्टम्स है। दूसरा कॉमन सिम्टम्स है पेशेंट्स कैन हैव हेडेक, सीवियर माइल्जिया जिसको बोलते हैं मांसपेशी में दर्द, अगर हम उंगली भी लगाएंगे तो वो पेशेंट को दर्द होगा। सो ये कॉमन सिम्टम्स है जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये पेशेंट्स को डेंगू हुआ है। तो लोग अक्सर डेंगू और वायरल फीवर जब होता है, क्योंकि वायरल फीवर में भी लोगों के थोड़े बहुत हाथ पैर दुखते ही है, तो लोग अक्सर ना डेंगू और वायरल फीवर को सेम समझ लेते हैं। तो क्या अंतर है दोनों के बीच में? डेंगू भी एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन ही है, लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन मच्छर के काटने से फैलता है। बाकी जो कॉमन वायरल इन्फेक्शन देखते हैं जिसमें सर्दी खांसी नज़ला होता है या जुकाम होता है, दैट इज़ बिकॉज हम छींकते हैं तो हमारे छींक से वायरस फैलता है और ये वायरस फैलता है मच्छर के काटने से। सेकंड चीज है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सर्दी खांसी नज़ला या सर्दी खांसी जुकाम जो बोलते हैं, इसमें जो होना है इसमें हेडेक होगा, सर्दी होगी, बुखार आएगा, लेकिन बुखार इतना तेज़ नहीं रहता है कि हमें ठंड लग रही है या ऐसा कुछ होगा। बॉडी एक भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं रहता है, होता है लेकिन अगर 1 से 10 की मात्रा में देखेंगे तो 2 या 3 के लेवल पे हमको बॉडी एक रहेगा, और अगर सेम सिम्टम्स अगर हम डेंगू में देखेंगे तो जो बॉडी एक या शरीर का बदन दर्द बोलते हैं वो
10 की स्केल पे 9 या 10 के इस पे रहेगा, तो ये सिग्निफिकेंट रहता है। माइलजिया यानी जो ताकत हमारी शरीर की कम हो जाती है वो बहुत सीवियर रहता है डेंगू में। कंपैरेटिवली अगर हमें सर्दी खांसी जुकाम हो गया या कॉमन वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं इसमें हम अपना काम थोड़ी दवाई लिया और काम कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें हम डेंगू में सहसा नहीं कर सकते बिकॉज सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स वो डेंगू में ज़्यादा होती है। सर अक्सर प्लेटलेट्स भी डेंगू के, जब आपको डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स भी आपके एकदम से कम होती है, तो ये रिलेशन क्या है दोनों के बीच का? देखिए हर डेंगू के इन्फेक्शन में प्लेटलेट कम होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा शरीर वो वायरस को कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे प्लेटलेट काउंट्स कम होंगे या नहीं होंगे। 50-60% ऑफ द पेशेंट्स में हम देखते हैं कि प्लेटलेट काउंट मिनिमली कम होते हैं, कुछ परसेंट लोगों में बहुत कम होते हैं। अभी डेंगू का इन्फेक्शन एक वायरस नहीं है, डेंगू का इन्फेक्शन 4 प्रकार के वायरसेस से होता है, डेंगू 1, 2, 3 और 4। तो ये चारों वायरसेस एक साथ इन्फेक्ट करेंगे ऐसा नहीं है। एक बार एक आपको फर्स्ट टाइम हुआ माइल्ड सिम्टम्स रहेंगे उसमें से आप रिकवर हो गए, सेकेंड टाइम अगर उसकी इम्यूनिटी वेन होती है यानी कम हो जाती है, वैसे ही अगर उस बीच में दूसरे मच्छर ने काटा और फिर से आपको डेंगू हो गया तो एक के ऊपर एक जो बैठता है कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद, तो हमारा शरीर उसको ज़्यादा हाइपर रिएक्शन देता है। अच्छा। और वो हाइपर रिएक्शन में हमारे प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। तो ऐसे इसमें हम देखते हैं कि नॉर्मली सीरोलॉजिकली डेंगू 2 के बाद में डेंगू 4 हो गया तो ज़्यादा प्लेटलेट काउंट कम होंगे, या डेंगू 1 के बाद में 2 हो गया तो ज़्यादा प्लेटलेट काउंट कम होंगे, लेकिन सिर्फ 1 हुआ है या 3 हुआ है तो प्लेटलेट काउंट ज़्यादा कम नहीं होंगे। और डिपेंडिंग अपॉन कितना प्लेटलेट काउंट कम हुआ है हमारे सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट ज़्यादा कम होते हैं तो हमारे शरीर पे छोटे छोटे ब्लड स्पॉट्स दिखेंगे जिनको हम पेटिकी बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट लेवल पे प्लेटलेट काउंट या सफ़ेद पेशी कम हो गई है। उसके लिए हमें फिर डिपेंडिंग अपॉन सिम्टम्स अगर ब्लीडिंग होता है तो फिर प्लेटलेट चढ़ाना पड़ सकता है। इसका प्रथम उपचार क्या रहेगा? जैसे डेंगू 1 या डेंगू 2 हुआ है तो प्रथम उपचार क्या करेंगे वो इसका? ये मैटर नहीं करता है कि आपको 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, ट्रीटमेंट मोर और लेस सेम रहता है। टू स्टार्ट विथ इट इज ऑलवेज सिम्टोमेटिक, मतलब हम बुखार के लिए ट्रीट करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन। कोई भी बुखार हो अगर आप वेल हाइड्रेटेड नहीं हैं तो आपकी तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ेगी, अगर आप वेल हाइड्रेटेड है तो आपकी तकलीफ़ें उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए। इसके लिए पानी का सेवन बराबर मात्रा में करते रहना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट है कि दवाई टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए, वो दैट टू विद कंसल्टेशन ऑफ अ डॉक्टर। तो आपके पास सिर्फ कोई आता है पेशेंट तो आप उनको ब्लड रिपोर्ट्स निकालने के लिए बोलेंगे या आप मतलब पहचान लेंगे कि देखो कभी जब पेशेंट पहले या दूसरे दिन आता है तो हम नॉर्मली ब्लड रिपोर्ट निकालने नहीं बोलते, लेकिन अगर कोई पेशेंट मेरे पास आया है वो बोल रहा है कि मुझे 4 दिन से बुखार है 5 दिन से बुखार, तो हम फिर ब्लड रिपोर्ट्स कराएंगे क्योंकि हमें पता रहने को ना कि हम किस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं। तो ऐसे इसमें बेसिक जांच पहले या दूसरे दिन में एक CBC करके होता है वो कर लेते हैं, अगर वो नॉर्मलाइज है सिर्फ वायरल इन्फेक्शन की तरफ दिखा रहा है बाकी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है तो हम आगे की जांच नहीं बताते, लेकिन तीसरे चौथे दिन आता है CBC में हमें प्लेटलेट कम दिखता है तो हम डेंगू की जाँच कराने को बोलते हैं। डेंगू में मौत की संभावना होगी सर? 100% अगर आप गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, जिसको हम एक सीवियर डेंगू बोलते हैं जिसे हम डेंगू हिमोरेजिक शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें हमारे शरीर में हमारा शरीर हाइपर रिस्पॉन्स देता है डेंगू के वजह से, नसों जो हमारी आर्टरीज रहती है उसमें के जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसके होल बड़े हो जाते हैं सूजन के वजह से, और उसमें से हमारा जो शरीर का पानी है लीक होता है यानी बाहर नहीं निकलता है लेकिन नसों के बाहर जाता है और टिश्यू में जमा होता है, तो इसमें सूजन आ सकती है, पेट में सूजन आती है या पेट में पानी जमा होता है, छाती में पानी जमा हो सकता है, गॉल ब्लैडर पे सूजन आ सकती है,
तो ये सीवियर डेंगू हिमरेजिक बोलते हैं। कोई कोई पेशेंट को जिनका प्लेटलेट कम हो जाता है, बहुत कम होता है, उनको ब्लीडिंग हो सकता है, खून का उल्टी हो सकता है, संडास में खून जा सकता है या फिर दिमाग में भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये जब सीवियर लेवल पे रहेगा तो 100% मॉर्टेलिटी दिखती है, लेकिन अच्छे सेंटर में आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो मॉर्टेलिटी इज लेस देन 1%। रिलेटिवली जहाँ पे जिनको एक्सपीरियंस कम है ट्रीटमेंट का, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो ट्रीट नहीं कर पाते, लेकिन एक्सपीरियंस कम है ऐसी चीज़ों से डील करने का, वहाँ पे मॉर्टेलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। सर, स्लम एरिया में हमें बहुत ज़्यादा गंदा पानी रहता है, वहाँ पे हाइजीन नहीं रहता है, तो वहाँ पे डेंगू के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि डेंगू अल्टीमेटली गंदगी से ही फैलता है। तो उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आपकी, जो स्लम एरिया में रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा गंदगी रहती है, वो अपने आप को कैसे बचाए इससे? सबसे इम्पॉर्टेंट है, डेंगू मच्छर फैलता है पानी जहाँ पे जमा हुआ है। अभी हम देखते हैं मोस्टली प्लास्टिक के कंटेनर्स या बॉटल्स, ये यूज़ करते हैं, थ्रो कर देते हैं और फिर उसमें बारिश का पानी जमा होगा या और कोई भी पानी जमा होगा और उसमें फिर मच्छर बढ़ते हैं। मच्छर बढ़ेंगे तो वो काटेंगे, वो उनका नेचुरल स्वभाव है कि उनको एक ब्लड मिल चाहिए रहता है। जब वो ब्लड मिल चाहिएगा वो इंसान को काटेगा, जानवर को काटेगा, उसमें से जब वो काटता है तो जो वायरस उसके शरीर में रहता है वो हमारे शरीर में आता है। सो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है साफ सफाई रखें। जहाँ पे भी पानी जमा होने जैसी परिस्थिति है वो परिस्थिति को हटा दीजिए, जैसे कंटेनर से, प्लास्टिक बॉटल से, या कूलर का टब है, या कोई टब है जिसमें पानी जमा हो रहा है, पेड़ों के आजू मतलब पौधों के आजू बाजू गमलों में अगर पानी जमा हो रहा है, तो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे मच्छर पनपेगा, और मच्छर पनपेगा तो वो काटेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप यही है कि अगर आपको बचना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि आप गंदे पानी या साफ पानी, जो भी पानी है उसको जमा ना होने दे, अगर जमा भी हो रहा है तो उसको ढक के रखे, जैसे पॉट हो गया, बकेट हो गया, जिसमें हम पानी स्टोर करके रखते हैं, तो इट हैज़ टू बी क्लोज्ड। अगर वो ओपन रहेगा तो उस पर मच्छर पनपेगा। सर, आप महाराष्ट्र टीवी 24 के दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे डेंगू के बारे में? सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगेन मैं बोलूँगा, आप ट्राई करें कि आपके लोकेलिटी में, आपके घर के आजू बाजू या घर के अंदर आप पानी जमा ना होने दें, सो दैट मच्छर वहाँ पनपे ना, पहला। सेकंड चीज़, अगर हो भी जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को वेल हाइड्रेटेड रखिए, सही और डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज कीजिए, फार्मेसी में जाके अपने हिसाब से दवाई लेके अपनी बीमारी को ज़्यादा बढ़ाइए मत। आप टाइम टू टाइम डॉक्टर को मिलिए, अगर आपका प्लेटलेट काउंट कम होता है या आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो प्लीज़ सीवियर डेंगू के, जिसमें हाथ पैरों पे चट्टे आना, मतलब ब्लीडिंग स्पॉट्स दिखना या फिर ब्लीडिंग होना, तो आपको एडमिट होना ज़रूरी है, और रिलेटिवली ऐसे जगह पे एडमिट हुई है जहाँ पे एक्सपीरियंस है ट्रीटमेंट का और वो आपको बेटर ढंग से ट्रीट कर पाएंगे। तो आज हमारे साथ बने थे डॉक्टर सचिन जीप काटे, जिन्हें आपको डेंगू के ऊपर बताया कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, वायरल फीवर और डेंगू के बीच में क्या संबंध है, क्या डिफरेंस है, प्लेटलेट्स कैसी कम होती है, क्यों कम होती है, कौन से मच्छर से फैलते हैं, और आपको क्या क्या प्रिवेंशंस लेना है इसके लिए, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ आपने जानी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब बीमारी होने से पहले ही आप उसको प्रिवेंट कर लेंगे तो आपको डेंगू भी नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए डॉक्टर्स के साथ और नए विषय पे। तब तक के देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 को। नमस्ते। नमस्ते। सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े, वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय वन गेट वन फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूमधड़ा का सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक।
तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए। सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोडी रोड, नागपुर। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर।